नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहुत सारी बातें कह दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। 11 जुलाई पूरी दुनिया जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। कभी जनसंख्या एसेट होता है, कभी लाइबिलिटीज के रूप में भी देखते हैं। आज भारत के लिए जनसंख्या विस्फोट, एक तरह से अब इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आबादी जिस कदर बढ़ रही है, पूरी दुनिया की आबादी का हम लगभग 18% से ऊपर हो गए। जमीन हमारे पास पूरी दुनिया का मुश्किल से 2% बच गया है, पानी 4% बच गया है, जो प्रति वर्ष पानी का जो लेयर है वो गिर रहा है। आज हमारा बगल का देश चाइना अगर 79 में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया होता तो 60 करोड़ आबादी आज उसके ऊपर होते। आज उसके विकास का मूल मंत्र अगर है तो जनसंख्या नियंत्रण, इसलिए भारत में भी जरूरी है। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है। अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो। मैं इतना ही आज लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राजनीतिक ना बनाए, धर्म से ना जोड़ें। ये अगर जोड़ें तो केवल भारत के विकास से जोड़ें। संसाधन सीमित है, जनसंख्या विस्फोट है। अगर हमें भी विकास के रास्ते पर जाना है तो एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। तो आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसको लेकर किसी भी धर्म को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, क्योंकि हेडलाइंस बिहार तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।